हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर फॉर रूबी स्टाइल प्लेस। और मैं हूँ रूबी और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अपने ब्लाउज कलेक्शन का वीडियो, तो जिसमें कि कुछ रेडीमेड भी है और कुछ स्टिच कराए भी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को, नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ही ब्लाउज कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, सारे तो कर नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए बिना ज्यादा बातें किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो ऑलमोस्ट जो मेरे ब्लाउज कलेक्शन है सभी साड़ियों पे के ही है, एक दो ही है जो मैंने अलग से परचेस किया है। तो ये है मेरा फर्स्ट ब्लाउज का कलेक्शन। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा वर्क है इस पे जरी का, और ये छोटे छोटे एलिफेंट्स बनाए गए हैं इस पे जरी का वर्क है, और ये गोल्डन कलर का है, और इसमें जो है रेड और ग्रीन का वर्क दिया गया है। तो इस पे दोनों ही कलर की साड़ी बहुत ही अच्छे से जाएगी। बट ये मेरी साड़ी का, साड़ी के साथ ही मिला है, रेडीमेड है बट साड़ी के साथ ही मिला है। तो इस पे सिल्क की साड़ी है मेरी, और देखिए ये छोटे छोटे वर्क नीचे में बनाए गए हैं, फिर ऊपर जो नेक पे होता है, फिर स्लीव्स पे होता है। और मैं इसका बैक साइड दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए ये बैक साइड में पूरा जो छोटा छोटा एलिफेंट बनाया गया है। मुझे ये लगता है कि ये जो है फ्रंट में होना चाहिए था, फ्रंट में ये जो एलिफेंट छोटे छोटे होते हैं यहाँ पे होने चाहिए थे तो ज्यादा ही ब्लाउज अच्छा लगता, बट क्या किया जाए जैसा डिजाइन बना है। तो ये पीछे से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है ब्लाउज, देखिए और ये है इसका फ्रंट साइड। तो ये जो रेड और ग्रीन कलर के आपके दिख रहे हैं ये रेशम के धागे की है और बाकी सब जरी का है, और इसमें छोटे छोटे ये नग वगैरह लगाए गए हैं। तो इससे जो है ब्लाउज की खूबसूरती और बढ़ रही है। और ये रेड कलर की पाइपिंग हर तरफ से लगाई गई है। तो ये था मेरा फर्स्ट ब्लाउज का जो कलेक्शन। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और ये है सेकंड ब्लाउज। ये तो लहंगे का है बट साड़ी के साथ भी आसानी से जा सकता है, देखिए। और मैंने इसे स्टिच कराया है टेलर से, इसमें मैंने पफ यहाँ पे लगवाया है और सिंपल ही स्टिच कराया है, बस डिजाइन को रखवाते हुए, और उसी तरह से पाइपिंग लगवा दिया है इसमें भी। तो बैक में तो एकदम सिंपल है, बैक में कुछ भी नहीं है, बस डीप नेक रखवाया है, गोल राउंड शेप का डीप नेक आगे भी है और पीछे भी है। और इसमें जो है जरी का काम दिया गया है, पूरे लहंगे में जरी का काम दिया गया है। ये मैंने अमेज़न से परचेस किया था लहंगा, मैंने दो तीन दिन पहले मैंने इस पे ब्राइडल मेकअप लुक शेयर किया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग देखिएगा, बहुत ही प्यारा मेकअप लुक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा चौड़े में जरी का वर्क दिया गया है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे गोल्डन कलर की प्लेन साड़ी हो और इस पे पहने तो बहुत ही अच्छा लुक जाएगा, बहुत ही मॉडर्न स्टाइलिश लगेगा। और ये लाइट वाला फैब्रिक है जो थोड़ा सा साटन टाइप का फैब्रिक नहीं होता है वो है। तो इस लहंगे में तो मुझे सब अच्छा लगा था,
मतलब घेर भी उतना नहीं है, बट 1500 के हिसाब से क्या चाहते हैं, घेर है, बट इसके अंदर जो होता है ना कोई कपड़ा लगाने वाला अस्तर टाइप का, वो नहीं था। बस यही इसकी थोड़ा सा माइनस पॉइंट था, बट ठीक है 1500 में ये लहंगा ठीक है। तो आप इसे भी चाहे तो आप अपने लहंगे के ब्लाउज को भी साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं, और आजकल के लहंगे तो हल्के वाले आ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये था मेरा सेकेंड ब्लाउज, और ये जरी के धागे के सारा वर्क है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं अपना थर्ड ब्लाउज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये है मेरा थर्ड ब्लाउज, तो ये रेडीमेड है, इसमें कुछ खास नहीं है, बट ये पहनने पे ये स्लीवलेस है तो बहुत ही अच्छा लुक देता है, मॉडर्न लुक देता है। तो आप इसे किसी भी साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं, प्लेन के साथ तो उतना अच्छा वर्क नहीं जाएगा, बट इसे थोड़ा सा हैवी साड़ी के साथ वेयर करें बहुत ही अच्छा लुक आएगा। प्लेन के साथ भी जैसे ये जो बटन टाइप के दिए गए हैं इस कलर का, सिल्वर कलर का अगर आप साड़ी पहने तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। ब्लू कलर की साड़ी एकदम नहीं पहनेंगे तो बिल्कुल भी भद्दा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और ये है इसका बैक बहुत ही डीप दिया गया है और बहुत ही अच्छी। इसकी रेडीमेड ब्लाउज की खासियत मुझे अच्छी लगती है कि बहुत ही अच्छा कटिंग वगैरह एकदम शेप में आ जाता है, स्टिच कितना भी कराओ तो थोड़ा सा तो इधर उधर हो ही जाता है। तो ये है बैक और ये है फ्रंट। ब्लाउज देखने में तो एकदम सिंपल है, पहनने पे बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो ये था मेरा थर्ड ब्लाउज। अब मैं आप लोगों के साथ अपना फोर्थ ब्लाउज शेयर करती हूँ। तो ये है मेरा फोर्थ ब्लाउज, तो इसको भी मैंने स्टिच कराया है नॉर्मली टेलर से। इसमें तो एकदम सिंपल है, आप लोग कहेंगे क्या दिखा एकदम सिंपल तो है, इसमें क्या खास है। तो इसका जो खास बात है इसकी स्लीव देखिए, इस तरह के नेट का फैब्रिक मैंने अलग से मंगवा के लगाया था। इसमें देखिए नेट में छोटे छोटे बीट्स लगे हुए हैं मोती टाइप के, और ये जो है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है इस तरह का। मैंने टेलर से कह के बनवाया था खास तौर पे, और इस तरह का इसे क्या कहते हैं पता नहीं, मतलब इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर करके इसको इस तरीके से जब आप बाजू बनवाएंगे तो पहनने पे बहुत ही अच्छा लुक जाता है, मॉडर्न टाइप का स्टाइलिश टाइप का लगता है। तो इसे आप इस तरीके के ब्लाउज के जो स्लीव से स्टिच करा सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि आप लोगों को कुछ आइडिया मिल जाएगा कि प्लेन ब्लाउज के साथ थोड़ा सा कैसे स्टाइलिश लुक दें। और ये है मेरा फिफ्थ ब्लाउज कलेक्शन। तो ये है सिंपल ही है, बट ये जो थोड़ा सा ये छोटा छोटा रेशम का और फिर जरी का कढ़ाई दिया गया है, कढ़ाई बहुत ही अच्छा लुक देता है सिंपल साड़ी के साथ। इस पे आप ये पिंक कलर का साड़ी पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक देगा, बट ये भी मेरी साड़ी पे का ही है, मैंने स्टिच करा है। ये इसमें जो है ऑरेंज और ये पिंक कलर की साड़ी दी गई है, मेरे साड़ी ड्रेप में आप लोगों ने देखा भी होगा। और इस पे ये नेट का है जो स्लीव है, और इस तरह का लैस है उस साड़ी पे, तो इसमें लैस दिया गया है। और ये मैंने इसमें लगवाया है लटकन, मतलब ब्लाउज में ये लगवा लो तो मुझे लगता है कि उसका ब्लाउज का जो है थोड़ा सा अहमियत बढ़ जाता है, बहुत अच्छा ब्लाउज लगता है पीछे से देखने में। तो पीछे से भी ये बैक साइड से भी जो है डीप नेक है, और पीछे से भी इसमें वही वाला जो है जरी का काम दिया गया है,
तो इस ब्लाउज में कुछ खास नहीं है, बट फिर भी सिंपल और अच्छा लगता है। कभी कभी सिंपल चीजें भी बहुत अच्छी लगती है, हमेशा जरूरी नहीं कि हैवी सा पहन ले। और ये है मेरा सिक्स्थ ब्लाउज कलेक्शन, सॉरी ये है सिक्स्थ। तो ये थोड़ा सा मेरी शादी के समय का ब्लाउज है, तो थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, बट इसका मैंने आप लोगों को डिजाइन दिखा दे रही हूँ कि आप चाहे तो इस तरीके से स्टिच करवा सकते हैं। ब्लाउज का जो नेक है, तो मैंने इसके स्टिच ही करवाया है, ये ब्लाउज पर मुझे मिला था, बट मैंने इसमें एक मिस्टेक की है, आप वो ना करें। तो इसको स्टिच कराते समय जो फ्रंट में है पफ जरूर लगवा लें। और ये इस तरीके का इसमें नेट का जो फैब्रिक दिया गया था स्लीव्स में लगवाने के लिए, इस तरीके से आप कपड़ा फैब्रिक यू नो जो फैब्रिक के नेट वगैरह का कपड़ा मिलता है वहां से आप ले सकते हैं, और अलग से भी इस तरीके का ब्लाउज आप सिलवा सकते हैं। तो ये नेट है, बट ये प्योर नेट नहीं है, कॉटन में नेट आता है ना उस तरीके का है। और ये आगे से जो है मैंने कॉलर वाला नेक रखवाया था, आप देख सकते हैं, और इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे बटन टाइप का डिजाइन लगवाया था, और ये खराब भी हो रहा है। और ये है उसका बैक साइड, बैक में एकदम से डीप नेक रखा था इस तरीके से शेप में, इस तरीके से गोल में है नीचे से राउंड में, और इस तरीके से ऊपर से वी में बन गया है। और इसमें जो मैंने ये लगवा लिया था लटकन, जो कि इसको बहुत ही अच्छा लुक देता है पहनने के बाद। इस तरीके से आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन पहनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो ये थे मेरे सिक्स ब्लाउज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज जो मैंने शुरू में बोला था वो आप करके जाना, लाइक करके जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, सी यू सून। और हाँ प्लीज वीडियो को पूरा देखा करो, और मेरे मेकअप वीडियो भी जरूर देखा करो, क्योंकि मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, और आप लोग जो है मेरे मेकअप वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो प्लीज यार देखो, अगर अच्छा ना लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ आपने ये दी कमी कर दी है, यहाँ पे आपने अच्छा नहीं किया, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। बट प्लीज मेकअप वीडियो देखा करो। तो बाय।